मेरे तरीके से बनाएं रसमलाई। आपका रसमलाई एक बार में ही एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगा। अब बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेगा। तो एक लीटर मैं ली हूँ क्रीम दूध। तो टोप में दूध को मैं डाल लेती हूँ। तो रसमलाई बनाने के लिए मुझे 1.5 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 लीटर दूध का मैं बना लूँगी छेना और 0.5 लीटर दूध का मैं बनाऊँगी रस। तो दूध में एक उबाल अच्छी तरह से आ जाने दें, उसके बाद गैस को कर दें बंद और इसे 5 मिनट के लिए कर लें ठंडा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच विनीगर और 2 चम्मच ले लेना है पानी और इसे कर लेना है एकदम अच्छी तरह से मिक्स। अब धीरे धीरे करके दूध में विनीगर को डाल देना है और हल्के हल्के हाथों से कलछिल दूध में चलाना है ताकि दूध एकदम अच्छी तरह से फट करके तैयार हो। तो इस तरह से विनीगर को डाल देना है और कुछ सेकंड के लिए दूध में इसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद इसे हल्के हल्के हाथों से चला लें और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छेना एकदम अच्छी तरह से फट करके तैयार हो चुका है। कॉटन का ले लें कपड़ा या फिर रुमाल और उसमें छेना को छान लेना है। अब इसे ठंडा पानी से अच्छी तरह से छेना को धो लेना है ताकि जो विनेगर का खट्टापन है वो निकल जाए और जो छेना है वो भी ठंडा हो जाए। अब इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ करके निकाल लेना है या फिर इस तरह से इसे दबा करके रख दें कुछ मिनट के लिए और इसका पानी निकाल लें। तो यहाँ पर इसका पानी अच्छी तरह से निकल चुका है। तो अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ एक थाली में और इसे मसल मसल के कर लेना है एकदम अच्छी तरह से चिकना। तो इसे इस तरह से हथेली की सहायता से मसल लेना है। मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं की हूँ, ना ही मैदा ना ही कॉर्नफ्लोर। तो इसे 4 से 5 मिनट के लिए रगड़ करके इस तरह से हथेलियों की सहायता से मसल लेना है, कर लेना है इसे चिकना। ज़्यादा इसको नहीं मसलना है, सिर्फ 5 मिनट ही मसलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी चिकना हो चुका है। तो अब मैं इसका छोटा छोटा सा बना लेती हूँ पेड़ा। मैं यहाँ पर मिनी रसमलाई बना रही हूँ, आप चाहें तो बड़े साइज में भी बना सकते हैं। तो हथेलियों पर इस तरह से पहले इसे मसल लें, उसके बाद इस तरह से कर लें गोल और फिर इस तरह से चपटा कर लें और इसी तरह से सभी रसमलाई को तैयार कर लेना है। घर पर आप एकदम शुद्ध तरीके से रसमलाई बना करके तैयार कर सकते हैं। बाहर का जो रसमलाई रहता है वो कभी कभी खाने में अच्छा नहीं लगता है। आप घर पे इस तरह से बनाएं बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो 1 लीटर पानी डाली हूँ मैं यहाँ पे और 1 कप डाली हूँ चीनी और इसे मैं पिघला लूँगी। तो 2 मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इलायची। तो इलायची डालने से छेना में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो चीनी को एकदम अच्छी तरह से पिघला लेना है। शक्कर जब एकदम अच्छी तरह से पिघल जाए, जब पानी में एकदम अच्छी तरह से उबाल आने लग जाए, उसके बाद डाल देना है रसमलाई को। तो शक्कर एकदम अच्छी तरह से पिघल चुका है और पानी में उबाल भी बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा है। तो एक एक करके छेना को डाल देना है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। तो गैस को यहाँ पे आप एकदम तेज पे ही रखें, पानी का उबाल बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। अगर पानी का उबाल कम हो जाएगा तो जो छेना है अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। तो मैं इसे ढक करके एकदम अच्छी तरह से उबाल आने देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से इसमें उबाल आ रहा है और छेने का साइज जो है थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, ये देखिए। तो इसे उबालते हुए मुझे 10 मिनट हो चुका है। तो इसे मैं 5 मिनट के लिए और बॉईल कर लेती हूँ। तो ढक्कन को मैं खोल करके बॉईल कर लेती हूँ थोड़ा से इसे अलटते पलटते हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छेना जो है, रसमलाई जो है, काफ़ी बड़े साइज का हो चुका है। मैं यहाँ पे मिनी रसमलाई बना रही हूँ, ये देखिए। इसे बॉईल करने में सिर्फ 15 मिनट ही लगा और आप इस तरह से रसमलाई बनाएंगे तो ना ही आपका रसमलाई बिखरेगी ना ही फटेगी और एकदम शुद्ध तरीके से बना करके तैयार भी कर सकते हैं। तो गैस को कर देना है बंद और इसे कर लेना है ठंडा। रसमलाई का दूध बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 0.5 लीटर दूध। तो दूध को कर लूँगी बॉईल। तो फुल क्रीम वाला दूध लें ताकि आपका जो रसमलाई है, जो दूध है, एकदम अच्छी तरह से बन करके तैयार हो। तो दूध में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ पिस्ता और बारीक कटा हुआ बादाम और 10 से 12 केसर के धागे और 2 मिनट के लिए इसे कर लूँगी बॉईल। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कटोरी मिश्री या फिर आप इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। तो जितना मीठा आपको खाना है उतना मीठा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा जितना ऐड करना है स्वाद के अनुसार इसमें मीठा ऐड कर दें।
तो दूध को थोड़ा सा जला लेना है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इलायची पाउडर, तो 1/4 चम्मच में डाल रही हूँ इलायची पाउडर और इसे भी एकदम अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। दूध जो है हल्का सा जल चुका है, तो अब मैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा बनाने के लिए, हल्का सा सिर्फ गाढ़ा करना है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच अरारोट का पाउडर। पाउडर को पानी में मिक्स करके दूध में डाल देना है और इसे लगातार चलाते हुए कर लेना है बॉईल, ताकि दूध में गुठलियाँ नहीं बने, तो इसको चला लेना है। अगर आप अरारोट का पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो दूध को और भी अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए पका लें, दूध उससे भी गाढ़ा हो जाएगा। नहीं तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी 3-4 चम्मच ऐड कर सकते हैं दूध में मिक्स करके, और फिर इसे उपवास में भी खा सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर, तो एकदम हलवाई वाला कलर लाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चुटकी भर येलो फूड कलर। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो कलर डालें, नहीं तो इसे स्किप कर दें। कलर डालने के बाद गैस को कर देना है बंद और दूध को कर लेना है एकदम अच्छी तरह से ठंडा। तो मैं इसे रख देती हूँ फ्रीजर में, इसे कर लेती हूँ ठंडा। आप चाहें तो इसे बाहर रख करके भी ठंडा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कितना ये सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है रसमलाई। ये देखिए कितना ये स्पॉन्जी बना हुआ है, देखिए। बहुत ही अच्छी तरह से ये जो है जूस इसके अंदर चला गया है। आप इस तरह से रसमलाई बनाएंगे तो एक बार में ही आपका जो रसमलाई है एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगा, और इसे बार बार बना करके खाना पसंद करेंगे आप, क्योंकि इसे बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो यहाँ पर जो दूध है एकदम अच्छी तरह से हो चुका है ठंडा, तो मैं इसे डाल देती हूँ एक डब्बे में। आप चाहें तो आपके पास जो भी बर्तन हो उसमें आप इसे निकाल सकते हैं, या फिर दूध में ही रसमलाई को डाल सकते हैं। और आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ये जालीदार बना हुआ है, ये देखिए बहुत ये सॉफ्ट बना हुआ है, ये देखिए। तो इसमें का पानी हल्के हाथों से निचोड़ लें और निचोड़ करके दूध में इसे ऐड कर दें। तो जितना भी रसमलाई है छेना है उसे निचोड़ लेना है हल्के हाथों से, फिर दूध में इसे ऐड कर देना है और इसे कम से कम छोड़ देना है 4-5 घंटे के लिए, ताकि जो दूध का स्वाद है छेना में एकदम अच्छी तरह से चला जाए। नहीं तो आप इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, पूरी रात के लिए आप इसे रखेंगे तो और भी अच्छा स्वाद आएगा। और ऊपर से इसमें ऐड कर दें पिस्ता और बादाम। तो लीजिए घर का बना हुआ एकदम ताज़ा फ्रेश रस मलाई बन करके तैयार है। तो आप भी मेरे तरीके से रस मलाई बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको 2-3 दिन तक फ्रिज में रख करके खा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।